काम शुरू करें मिस्टर रंधावा। सबसे पहले तो हमें अपने हेड शेफ का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है। लड़ाई खत्म हुई? एक्सक्यूज मी, वो तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बीच रेस्टोरेंट का मेन्यू चेंज करना है। मैं 3 महीने से उस पर ट्राई कर रही हूँ और मेरे हिसाब से इंडियन ही हमारे होटल के लिए बेस्ट है। 3 महीनों में बस चीजों से बोर होती हो या लोगों से भी? तुमसे तो डर के रहना पड़ेगा। नहीं, कहीं मुझसे भी बोर हो गई तो? ये 3 मेन्यूज हैं, आप देख लीजिए, आपको जो पसंद हो आप बता दीजिए। परफेक्ट, न ज्यादा न कम, बैलेंस अच्छा है तुम्हारा। कितना मीठा होना चाहिए, कितना तीखा, सब बताया तुम्हें। थर्ड मेन्यू डन। थैंक यू, मैं हेड शेफ को बोल के एक टेस्टिंग प्लान करवा लेती हूँ। बैठो ना हैप्पी, अभी तो बाकी है डिस्कशन, इतनी जल्दी किस बात की है? एक लिमिट होती है मिस्टर रंधावा, हम ये किसी के पर्सनल नौकर नहीं है, एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज की तरह बिहेव कीजिए। समझते क्या आपने आपको? एक प्रोफेशनल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बदतमीजी की हर हद पार कर दी है आपने। मैंने आपको पहले भी बोला कि आप मेरी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ से एक हाथ की दूरी बनाए रखें। अगर आपको कोई गलत फहमी है ना कि मैं बर्दाश्त करती रहूंगी, तो आपको वेकअप कॉल की जरूरत है। हाँ, बहुत बातें करनी थी ना आपको, अब बात कीजिए, मुड़िए इधर। मेरे लेंस कहाँ गए? नहीं, हैप्पी मुझे ऐसे नहीं देख सकती। ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है? जवाब दीजिए, इग्नोर क्यों कर रहे हैं मुझे? देखिए मेरी तरफ। मिस्टर रंधावा, मैं आपसे बात कर रही हूँ, बोलिए मिस्टर रंधावा, जवाब दीजिए। इसने आज फिर से हैप्पी के साथ कुछ हरकत की है, आज इसका केस ही क्लोज कर देता हूं। How dare you? अगर घमंड सर पे चढ़ रहा है तो मैं उतार देता हूँ। मुझे बहुत जल रहा है आरवी। Ouch. Happy, आंखें खोलो। एक मिनट। Happy, आंखें आंख खोलो। लेंस कहाँ गए? रखे तो यही थे मैंने, किसी ने हटाए तो नहीं? अभी ठीक है, जलन कुछ कम हुई? I can't believe, शान इतना घटिया हो गया कि उसने मेरे ऊपर जूस का ग्लास उठा के मार दिया। इसका तो मैं वो हाल करूंगा हैप्पी कि वो कभी सपने में भी नहीं सोच पाएगा। आरवी,
बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहा हूँ तुझे शांत रंधावा। आज तूने कुल्हाड़ी पर पैर नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पर अपना सर मारा है। योर टाइम इज ओवर मिस्टर शान। सर आरवी, चाहिलों की तरह पेश आने की जरूरत नहीं है, बैठ के सलीके से बात करते हैं। वही कर रहा हूँ शान, तेरे जैसे घटिया गुंडे के साथ बात करने का यही तरीका है। तुझे तेरी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी है शान। अरे प्लीज स्टॉप इट आरवी, प्लीज मेरे लिए। अगर तूने हैप्पी को परेशान किया ना, तो तेरे सर को दो हिस्से में खोल कर तेरी सोच को मसल दूंगा मैं। और ये मत समझना कि हैप्पी अकेली है, मैं हूं उसके साथ हमेशा। कोई बीच में नहीं आएगा, ये मेरी लड़ाई है। बैक ऑफ। हार्वी, हार्वी, आर यू ओके? आज जान से मार देता उसे हैप्पी। तुमने देखा हैप्पी? You saw it, right? हैप्पी जैसे ही उसने तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुना, वो रुक गया। हैप्पी वो शानवा नहीं है, वो 100% रॉकी है। बैठिए आप, बैठिए यहाँ। हैप्पी आज सबके सामने उसका सच सामने आ गया। हमारे पास भी यही मौका है हैप्पी, उसकी असलियत सबके सामने लाने का, एंड टू प्रूव दैट ही इज रॉकी। हैप्पी,
उसने आज जो तुम्हारे साथ बदतमीजी की है ना, बहुत महंगी पड़ेगी उसे। हुलिया बिगाड़ दूंगा उसका। बस आरवी, इंसान हूं मैं, कागज नहीं। कि बारिश पड़ी तो गल जाऊंगी, धूप पड़ी तो पिघल जाऊंगी। कब तक बचाएंगे आप मुझे, कब तक प्रोटेक्ट करेंगे? मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ खुद। और क्या है आप, कोर्ट जाने वाले वकील है या फिर गली के गुंडे? बातचीत करने की बजाय लाते घूसे चलाने लग गए आप। आई स्वेयर आरवी, आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। हेलो रिसेप्शन, जल्दी से डॉक्टर को कॉल कीजिए और पता लगाइए मिस्टर रंधावा कैसे हैं। हैप्पी, मैं उसे एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा हूं और तुम डॉक्टर बुला रही हो, वो भी उसके लिए। व्हाट्स रॉन्ग विद यू हैप्पी, तुम्हें हो क्या गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल आरवी, वो होटल के गेस्ट है इसलिए प्रोटोकॉल है, ये बात आपको अच्छे से पता है। एंड प्लीज रिलैक्स नाउ आरवी। नहीं कर सकता मैं हैप्पी रिलैक्स। जब तुम्हें कोई थोड़ी भी तकलीफ होती है ना, तो अंदर से खून खौलता है मेरा, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। तुम परेशान होती हो तो मैं भी परेशान होता हूँ हैप्पी। हैप्पी आई डोंट, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? मैं तुमसे जुड़ा हुआ हूं हैप्पी, और मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। उसने तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी की इसलिए उसे मारा, और फिर से करेगा तो फिर से मारूंगा। अभी तुम्हें कोई भी तकलीफ देगा ना, तो तुमसे पहले उससे मुझसे होके गुजरना पड़ेगा। वो तुम तक पहुंचने से पहले मैं उसे चांद से मार दूंगा। अभी तुम शायद अपना दर्द बर्दाश्त कर लो, पर मैं तुम्हारा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। चोट काफी गहरी है आपको, कुछ दवाइयां लिख के दे रहा हूं, इनसे आराम मिलना चाहिए आपको। सर आज उसकी खैर नहीं थी, वो शोर और कंफ्यूजन के बीच आप रुक गए अचानक, उसी का फायदा उठा लिया उसने। आप रुक क्यों गए थे सर? रॉकी! रॉकी, ये क्या गड़बड़ कर दी तूने? हैप्पी ने नाम लिया और तू रुक गया, सब भूल कैसे गया तू? अपनी असलियत बताती हूँ, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है तू? सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, मैं ठीक हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।